just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna... बीवी ने फ्रूट दिया, हम ना खाए ऐसे हो सकता है? कहने लगी कि हम बड़े पतले हो रहे हैं। हमने बोला नहीं, हम तो मोटे हो रहे हैं, लेकिन बोला फ्रूट खाना होगा। हम बोले ठीक है। में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है कल की तरह, इसलिए आज भी टेक न्यूज़ लेट आ रही है। मैं माफी चाहता हूँ, नोटिफिकेशन में झोल होता है ना, इसके लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। मे बी क्या पता नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही हो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने बना के रख दिए, बस अपलोड करने के लिए ना लफड़े चल रहे। क्या दोस्तों, कल के पोल की बात करते तो मैंने आपसे पूछा था कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, उसमें से 61% लोगों ने कहा इंटरेस्टेड तो है लेकिन पैसे चाहिए। और ये इससे मैं एग्री करता हूँ। और लगभग 32% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी हमें। साथ में दोस्तों, हमने एक नया हैशटैग शुरू किया है, #3MillionForTechnoRuhes। जी हाँ, इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पर लगाया हूँ मैंने, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको मिलेगा। अब बस यही चाहता हूँ, उस हैशटैग से मतलब ये है कि आप लोग मेरी हेल्प करिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने में, जो कि इस साल के एंड में करना है, मेरे बर्थडे से पहले। मैं यूजुअली मांगता नहीं हूँ सब्सक्राइबर के लिए, मुझे लगता है अगर डिजर्विंग है तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन जितने लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज है इस साल में मेरे लिए कि मैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके पहुंच जाऊं, और आपके प्यारों सपोर्ट से वो पॉसिबल हो सकता है। एनीवेज, लाइक करते रहिए, गरम-गरम टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स का नोट 7 इंडिया में 16 सितंबर को लॉन्च होगा। फोन हमारे पास आ गया, इतना बड़ा सा फोन है, खैर उसकी अनबॉक्सिंग तो आपको मिलेगी, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 8 उसका सक्सेसर दोस्तों NBTC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, और ये भी दोस्तों बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। ये इन्फिनिक्स वाले भी कम नहीं है, रियलमी रेडमी के छाव में चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में नए नए फोन को लॉन्च कर देते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि हीलियो G80 वाला प्रोसेसर होगा, आई थिंक गीकबेंच कहीं पर लिस्ट भी हुआ था। तो नोट 7 में G70 है, इसमें G80 होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बस देखिए, अच्छा काम तो अभी धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं कि पुराने अजीब अजीब प्रोसेसर को छोड़ के वो थोड़े नए प्रोसेसर अपना रहे, लेकिन अच्छी प्राइस पर देना चाहिए, मेन मुद्दा वही है। देखते हैं दोस्तों क्या खास होता है। इन्फिनिक्स नोट 8 तो बात की बात है, लेकिन नोट 7 की अनबॉक्सिंग आपको 16 तारीख को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से खबर आ रही है, तब तक हम खाएंगे सेप विद चाट मसाला। तो फ्लिपकार्ट का दोस्तों यहां पर बिग सेविंग डेज सेल शुरू होने वाला है 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, यानी कि 3 दिन का ये सेल होगा, जहां पर बहुत सारी चीजों पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट था कुछ परचेस करने के लिए तो वेट कर लीजिए, थोड़े दिनों की बात है, 18 तारीख को फ्लिपकार्ट का ये सेल शुरू हो जाएगा, वहां पर जाके चेक करिए, क्या पता आपको उस पर भारी डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से थोड़ा नाराज हूं, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सेल वेल तो रखते हैं, लेकिन बहुत बार इनकी तरफ से कुछ फ्रॉड्स भी हुए जो मुझे लोग ट्विटर पर टैग करते, तो मुझे सुन के अफसोस होता है, तो फिर हम वापस उनको टैग करके बोलते कि भाई ये चीज जरा देख लो, सही कर लो, वरना अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, खैर 18 तारीख को देखते हैं कि इनका सेल क्या खास होता है, तो हमें उसके बाद ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है, और टिकटॉक के बिहाफ पे चाइना ने बहुत ही बड़ी बात कर दी है, और उन्होंने ऐसा बताया कि ये अमेरिका अपने आप को क्या समझता है, मतलब ये कहाँ का कानून है कि अगर हमारे ऐप जो हमारी कंट्री में जो ऐप है टिकटॉक, उसको अगर उनकी कंट्री में चलाना है तो वहां की कोई कंपनी उसको एक्वायर करेगी तो ही वो लोग अलाउड करेंगे। ले, ये तो गलत बात है ना, ऐसा चाइना ने बोला, तो इससे बेटर ना हम शटडाउन ही कर दे। हाँ हाँ, वो बर्दाश्त हो जाएगा हमें, लेकिन वहां की अगर कंपनी हमारे ऐप को एक्वायर कर ले फिर वहां पर यूज हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये पहले बात करना चाहिए था, इतना दिन बाद क्यों उन्होंने बात किया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि 20 सितंबर को टाइम है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने छलांग लगाई थी, वॉलमार्ट ने लगाई थी उसको एक्वायर करने के लिए, थोड़े दिनों बाद फैसला हो जाएगा कि टिकटॉक को किसने लिया और नहीं लिया, तो टिकटॉक वहां पर बैन हो जाएगा, ये सब खबरें हमें थोड़े दिनों में मिल जाएगी। लेकिन चाइना ने बहुत ही जज्बाती बात कर दी है कि ये अमेरिका अपने को समझता क्या है, हम शटडाउन ही क्यों ना कर दे। शटडाउन सुन के मुझे इतना खुशी हुई, आपको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों शाओमी की तरफ से खबर आ रही है, Redmi 9i ये स्मार्टफोन इंडिया में 15 सितंबर को आएगा, 6 तो ऑलरेडी आ चुके, एक और अभी मेंबर ज्वाइन करेगा, और ईशन अग्रवाल ने ट्वीट करके ये बताया था कि इसकी जो प्राइस होगी वो 8,000 के आसपास होगी, इसमें भी दो वेरिएंट्स होंगे 464 और 4120, बाकी हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्यों कर रहे हैं Xiaomi ऐसा, मुझे अजीब लगता है एकदम, जब मैं ऐसे कंटिन्यूस, मैं नया गाना निकाला हूँ अभी, मनमोहन तो चले गए, मन भैया रे, बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो,
टंग टंग टंग। तो यहाँ पर दोस्तों वन प्लस की तरफ से यहाँ पर खबर आ रही है और वन प्लस एट टी प्रो और काफी सारे नॉट के जो स्मार्टफोन से ये अकॉर्डिंग टू इवन ब्लास्ट एक बहुत बड़े टिप्स्टर है उन्होंने ऐसा बताया कि ये सारे फोन एग्जिस्ट करते हैं और हमें काफी जल्दी जो वो देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक उनका कोई गाइड पेज जो था वन प्लस का एक्सीडेंटली लाइव हो गया होगा और उसके बाद उन सारे फोन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर बाहर निकल कर आ गई। लेकिन प्रीवियसली तो बातें हो रही थी कि वन प्लस 80 प्रो नहीं आएगा, सिर्फ 80 आएगा। इस पर मैक्स जे दूसरे जो टिप्स्टर है वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, वन प्लस 80 होगा लेकिन 80 प्रो नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन इवन ब्लास्ट बोलते हैं कि 80 प्रो भी यहां पर आएगा। खैर इनके भी बीच में लफड़े होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक लाइव फोटो निकल कर आ गया, ये ऐसा बताया जा रहा है कि वन प्लस का कोई नॉड वाला फोन हो सकता है क्योंकि इसमें कोई आपको सामने नॉच वॉच नहीं दिख रहा है, शायद पॉपअप कैमरा होगा और मे बी वन प्लस नॉड लाइट या कोई और फोन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वन प्लस का कोई नॉड होगा, ये देख के तो एकदम प्रीमियम फोन लग रहा है। शायद वन प्लस 80 या मे बी जो लफड़े हो रहे 80 प्रो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम इंडियन यूट्यूबर ही लड़ते, इंडियन ब्लॉगर्स ही लड़ते, नहीं नहीं वहां वाले भी लड़ते, टिप्स्टर बढ़ गया आपस में। खैर ये फोटो देख के आपको क्या लगता है कौन सा फोन हो सकता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि Realme के हमें नए एस सीरीज वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, चाइना में आपको याद होगा ओप्पो के एस सीरीज वाले फोन से थोड़े बहुत थे में भी, तो अब वो लोग बंद कर देंगे, अब उसको Realme पकड़ेगा और Realme की नए हमें एस सीरीज वाले फोन्स देखने को मिलेंगे। ये सुधांशु अंबोरे ने इस पर ट्वीट किया था, अंदरूनी खबर है तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो हाँ, तो मे भी ऐसा कुछ होगा। आप Realme क्या करेगा इसके थ्रू मुझे कुछ नहीं पता और ये इंडिया में आएगी भी कि नहीं आएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। बाकी नार्जो का वेट कर लो, क्या होता है नार्जो आने दो, देखते हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, जब आएगा तब देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4G की तरफ से खबर आ रही है और 4G ये जो ऐप है, ये जो गेम है, हमें ऑब्वियसली अक्टूबर के एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले प्ले स्टोर में काफी सारे फेक 4G ऐप भी आ चुके हैं। जी हाँ, 4G आप जाके खाली सर्च करिए, धड़ाधड़ आपको 4G के फेक ऐप्स देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनमें से कुछ नोटबुक से, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब ऐप है। गलती से भी इनको डाउनलोड मत करना, आपको लगा रहेगा कि 4G अगर गलती से आपको प्ले स्टोर में कहीं दिख जाता है, आपने सर्च कर लिया तो इंस्टॉल मत करना, क्या पता ये लोग कौन है, आपके कितने डेटा उड़ा के लेके जाए उस चक्कर में, तो इनसे बच के रहना, ठीक है। तो अभी ये खबर आई है सामने, तो मेहरबानी होगी इससे दूर रहना। जब गेम आएगा अक्टूबर के एंड में, तब हम आपको उसके बारे में गेम प्ले भी देंगे और खूब सारी बातें भी करेंगे। क्या आपको बताएं दोस्तों, यूएस के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जितने भी जो डाइवोर्स होते हैं उसमें से ऐसा सर्वे किया गया था कि क्यों होते हैं, लगभग 33% उसमें से लोग ऐसे, उन्होंने ऐसा बताया कि फेसबुक रीजन है उनके डाइवोर्स होने का। अब वो क्या रीजन ही नहीं पता, लेकिन फेसबुक का नाम लिया गया था। की न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।